आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास की आराधना में आज इस फास्टिंग प्रेयर में हम सबको अपने भवन में एकत्रित किया ताकि खुदा के शक्तिशाली और सामर्थ्य वचन को एक बार फिर से हम लोग सुने। कितने लोग आज वचन की रोटी के लिए भूखे हाथ उठाएं? वेरी गुड। आज परमेश्वर अपने वचन की रोटी से आप सबको तृप्त करने जा रहा है और आज बहुत कुछ आप सीखने जा रहे हो, आज बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर था, एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीहों के लिए, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर था जो मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है और जिसका जीवन मसीहों को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। और आज उसी व्यक्ति के ऊपर आज के प्रचार को आप सुनने जा रहे हैं जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा एक तो इंक्रीज करेगा और दूसरा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा। हालेलुया, एक बदलाव को लेके आएगा। और वो व्यक्ति था इसहाक, आइज़ैक। जो इसहाक था वो एक ऐसा व्यक्ति था और उसके जीवन को परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया और अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम किया जो मसीह लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी वो एक भविष्यवाणी है, एक बहुत बड़ी प्रोफेसी है। और जब आज के प्रचार को आप सुनोगे, इसहाक के जीवन के विषय में इन तमाम बातों को जानोगे जो आपके जीवन से कनेक्टेड हैं, जो हर एक मसीह के जीवन से कनेक्टेड है और उनको जानने की ज़रूरत है। और जब आप सुनोगे तो आज पूरी तौर से आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो जाओगे और रोमांचित हो जाओगे और प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करेगा। और परमेश्वर जो है विश्वास योग्यता चाहता है हर एक व्यक्ति से, हर एक मसीह से विश्वास योग्यता चाहता है। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझ कर अपनी सेवा के लिए चुना। वो कहता है मैं तो पहले अंधेर करने वाला था, मैं निंदा करने वाला था, मैं सताने वाला था, लेकिन मसीह ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए चुना। परमेश्वर जब आपको चुनता है या हर एक मसीह को चुनता है तो वो आपसे विश्वास योग्यता चाहता है। हर एक मसीह से, हर एक सेवक से, हर एक कलीसिया से वो विश्वास योग्यता चाहता है कि हम उसके साथ विश्वास योग्यता में चलें, हम विश्वास योग्य बने रहें। वैसे ही इसहाक को परमेश्वर ने ऐसे समय पर विश्वास योग्य रहने की बात बोली जो उसके विपरीत परिस्थितियां थी, उसके विपरीत परिस्थितियां थी। परमेश्वर आज बहुत बार मसीहों को कहता है कि तुम मेरे साथ विश्वास योग्य बने रहो, लेकिन बहुत बार मसीह लोग विश्वास योग्य नहीं बने रहते, वो विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, विश्वास में टूट जाते हैं, विश्वास में बिखर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत बार आपसे विश्वास योग्यता ऐसे समय में चाहता है जब आपके विपरीत परिस्थितियां हों। वैसे ही इसहाक के विपरीत परिस्थितियां थी और परमेश्वर ने इससे विश्वास योग्य रहने को चुना, विश्वास योग्य रहने को कहा। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन की बुनियाद डालेंगे, आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 उसके पद 1 को कोई मेरे लिए पढ़े, क्या लिखा है? उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत ही बातें जो हैं वो इसहाक के जीवन में प्रकट करनी आरंभ कर दी थी। एक ऐसा समय था, परमेश्वर ऐसे टाइम पर आपके लिए अद्भुत रीति से काम करता है जब आपको लगता है अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। जब आपकी होप खत्म हो जाती है, आपकी आशा टूट जाती है, आप निराश हो जाते हो, परमेश्वर का काम तब ही शुरू होता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ समाप्त होने तक कुछ नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ करेगा नहीं। वचन में लिखा है कि मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में और मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर जो करता है वो बेहतर करता है और वो शक्तिशाली रूप से करता है और अपने नियुक्त समय पर करता है। आपके जीवन में जितनी मर्जी परेशानी, दिक्कत, तकलीफ हो, परेशानी हो, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना क्योंकि परमेश्वर काम करेगा। यदि वो चुप है तो एक बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आज काम नहीं हुए तो निराश मत होना, उदास मत होना, एक बहुत बड़ी गवाही आपकी तैयार हो रही है। इसहाक की एक बहुत बड़ी गवाही तैयार हो रही थी, एक बहुत बड़ी गवाही, और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। हमने यहां वचन में पढ़ा कि इसहाक जिस समय मर था उस समय में एक भयंकर अकाल पड़ा था और वो ऐसा अकाल था जो उसके पिता अब्राहम के समय में था, उससे अलग था।
यानी एक बड़े स्केल का एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और इस अकाल की वजह से पूरी तौर से इसहाक ने निर्णय कर लिया था कि वो इजिप्ट चला जाएगा, मिस्र चला जाएगा, उसने निर्णय कर लिया था। लेकिन उसने उस समय कूच करके कहाँ गया, वो गरार में गया, गरार में गया, और गरार में जाके वहाँ पर वो रहने का उसने निर्णय किया, और वहाँ से आगे सफ़र तय कर रहा था वो मिस्र जाने का। वो वहाँ गया, गरार में गया, और वहाँ से आगे जाने का उसने प्लान तय कर रखा था। लेकिन परमेश्वर की एक अलग ही योजना थी उसके जीवन के लिए, अलग ही योजना थी। और जब उसने ऐसा प्लान किया, वो कहाँ गया, किसके पास, राजा के पास गया। कौन से राजा के पास, फलस्तीनियों के राजा के पास, पैलेस्टाइनियन किंग के पास गया, फलस्तीनियों के राजा के पास गया, और वहाँ पे जाके उनसे उसने बैठ कर मिलकर बातचीत करी। उसका एक प्लान था कि मैं अब यहाँ से आगे कूच करूँगा, क्योंकि एक भयंकर अकाल था उसके जीवन में। जैसे जब मनुष्य के जीवन में परेशानियाँ आती है तो बहुत सारे निर्णय वो लेते हैं, वैसे इसहाक ने भी निर्णय लिया, मैं क्या करूँगा, मैं गरार से कूच करके मैं चला जाऊँगा कहाँ पे, मिस्र को। वैसे जब मनुष्य के जीवन में परेशानियाँ आती हैं, वो निर्णय कर लेते हैं, अब एक काम करो, मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, अब एक काम करता हूँ, यहाँ से कूच करके मैं अलग स्टेट में चला जाता हूँ, मैं यहाँ से कूच करके एक अलग स्टेट में चला जाता हूँ, मैं कूच करके एक अलग कंट्री में चला जाता हूँ। मनुष्य बहुत सारी अपनी प्लानिंग्स को करता है, बहुत सारी प्लानिंग करता है, और इसहाक ने भी प्लानिंग करी, वो गलत नहीं थी उसकी प्लानिंग, वो गलत नहीं थी, क्योंकि जिस देश में था वहाँ पे एक भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल के समय उसकी जिम्मेदारियाँ थी अपनी पत्नी के प्रति, अपने जानवरों के प्रति, अपने दासों के प्रति, उसकी जिम्मेदारियाँ थी कि वो एक ऐसे देश में चला जाए जहाँ पे अनाज हो खाने को। लेकिन जब गरार में था तो यहाँ पर भी वो भयंकर अकाल था, एक भयानक अकाल था, और अकाल की वजह से वो फलिस्तियों के राजा के पास गया, और जब गया तो परमेश्वर ने अपनी योजना प्रकट करी, परमेश्वर ने अपनी योजना प्रकट करी। जब परमेश्वर अपनी योजना आपके जीवन में प्रकट करेगा तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और परमेश्वर की प्लानिंग, उसकी योजना को जब आप समझोगे तो आपकी प्लानिंग, आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी। इसहाक ने प्लानिंग कर रखी थी कि मैं निकल जाऊंगा, मैं मिस्र चला जाऊंगा, मैं इजिप्ट चला जाऊंगा, लेकिन वो गरार में गया वहां के राजा से बातचीत करने के लिए। उसी बीच में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और दो में क्या लिखा है, बड़े वचन में, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसने और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। आगे लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, अब परमेश्वर की बारी थी। हम बहुत बार बहुत सारी प्लानिंग्स को करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाएं हमारे जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर ने क्या कहा, वहां यहोवा ने उसे उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। उसकी प्लानिंग थी, मैं मिस्र में जाऊंगा, मैं इजिप्ट में जाऊंगा, जहां मैं अकाल से बच जाऊंगा, मैं परेशानी से बच जाऊंगा, मैं तकलीफ से बच जाऊंगा, इसलिए मैं मिस्र को जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मिस्र को मत जा, सुन ले मेरी बात, तू मिस्र को मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। परमेश्वर ने कहा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। और परमेश्वर ने आगे क्या बोला, परमेश्वर ने आगे कहा, तू इसी देश में रह, जो देश मैं तुझे बताऊंगा वहां जाइयो। और आगे प्रभु कहता है, तू इसी देश में रह, यही वो देश है जो मैं तुझे बता रहा हूं, तू यहीं रह, कहीं और मत जा। परमेश्वर अपनी महान योजनाओं को प्रकट करता है। आज जब बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे निर्णय को हम कर लेते हैं और हम बहुत सारी प्लानिंग्स के हिसाब से आगे चलना आरंभ कर देते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है, प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए परफेक्ट होती है।
एक्यूरेट होती है। हम जो प्लानिंग अपनी लाइफ के लिए करेंगे उस प्लानिंग में हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए यिर्मयाह उसके 29 के 11 में क्या लिखा है, जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो सब कुशल की है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर जो भी प्लान हमारे लिए करता है वो बेहतर होता है। उसकी प्लान के तहत चलें, उसकी योजनाओं के तहत चलें, उससे अलग ना जाएं, नहीं तो परेशान हो जाओगे। और परमेश्वर ने कहा तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा, ये परमेश्वर का प्रॉमिस था। तू इसी देश में रह इसहाक, जहां पे अकाल पड़ा है, जहां मुसीबत आई है, जहां परेशानी आई है, तू यही रह क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने उससे एक वाचा बांधी, इसहाक मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग रहूंगा। जब परमेश्वर किसी निर्णय को लेने के लिए बोले, परमेश्वर कोई फैसला आप पर प्रकट करे अपना, तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है। वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। जब परमेश्वर आपको सेवा के लिए चुने, परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाना चाहता है, आपके जीवन में कोई बातें प्रकट करता है, तो साथ में ये भी कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं तेरे संग रहूंगा तो मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। जब परमेश्वर की आवाज को आप सुनोगे, उसकी आवाज को पहचानना शुरू कर दोगे, उसकी आवाज के अनुसार चलना शुरू कर दोगे, वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जब आवाज को आप सुनना आरंभ करेंगे तभी परमेश्वर आपके संग रहेगा और तभी आपको आशीष देगा। अब्राहम को परमेश्वर इसहाक को बोला था कि मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से कही थी, अपने दास अब्राहम से कही थी, वो सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस देश को और आसपास के सारे देश में तुझे दूंगा। परमेश्वर ने उसको आश्वासन दिया। अब ये अकाल के समय में है, ये परेशानी में है, अब खाने के लाले पड़ रहे हैं, खाने को अनाज नहीं है, पूरा देश अकाल से पीड़ित है और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा और तू यहीं रह, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू यहीं रह। और जो वाचा मैंने तेरे पिता अब्राहम से बांधी थी उसे मैं पूरी करूंगा, तू यहीं रह। परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से काम करता है, अद्भुत रीति से, आज सीख लेना। वो आपको बहुत सारी बातें अपने बताता है, समय समय पर प्रकट करता है, अपनी बातें प्रकट करता है और वो चाहता है हर मसीह व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को पहचानना शुरू करे। मैंने फिर इस बात को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसहाक जो है मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जिसके जीवन से हर एक मसीह को सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। उसके विपरीत परिस्थितियां थी, उसके अगेंस्ट परिस्थितियां थी और वो अपने निर्णय को लेकर आगे जाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो यही बना रहे, तो मिस्र मत जा। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे पिता अब्राहम से जो जो मैंने वाचाएं बांधी है उसे मैं पूरी करूंगा। और परमेश्वर आगे क्या कहता है, कहता है मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जो अन्य जाति लोग हैं, जो चर्च हैं, वो अब्राहम के वंश के हैं, हम लोग इसहाक के वंश के हैं विश्वास के द्वारा। और आज हम सब अपने को धन्य कहते हैं अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, याकूब के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जातियों में से अब्राहम को चुना था। और चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो अन्य जाति है, अन्य जाति है। और परमेश्वर ने जितनी आशीषें, जितनी प्रतिज्ञाएं अब्राहम को दी थी, इसहाक को दी थी, याकूब को दी थी, वो सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञा मान, मेरी आज्ञा पे चल, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा।
हालेलुया। मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरी जनरेशन को ब्लेस करूंगा। और परमेश्वर ने इसहाक को बोला कि तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां अपने को धन्य कहेंगी। हालेलुया। तेरे द्वारा, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी एक आशीष होती है जब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग का सोर्स बनाता है, आशीष का वारिस बनाता है, आशीष का सोता बनाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया था आशीष का सोता, इसहाक को बनाया आशीष का सोता, और कहा तेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। आज दुनिया भर में कितने ऐसे विश्वासी हैं, कलीसियाएं हैं, जो प्रभु के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा आशीषित हो रही हैं। हालेलुया। वचन के प्रचारों के माध्यम से आशीषित हो रही हैं, उनके प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हो रही हैं। परमेश्वर आपको आशीष का सोता बनाता है ताकि आपके द्वारा दुनिया के लोग ब्लस्ड हों, वो आशीषित हों। आपको इस्तेमाल करता है और ऐसे टाइम पर आपको बोलेगा कि तू मेरी आज्ञा को मान, जिस टाइम चीज़ें आपके अगेंस्ट होंगी, आपके विपरीत होंगी, और आप निर्णय कर चुके होंगे, आपका निर्णय रेडी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये मेरा निर्णय नहीं, ये तेरा निर्णय है। मेरा निर्णय तो ये है जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, इसी देश में रह, यही आशीष दूंगा, यही बढ़ाऊंगा और यहीं से उन्नत करूंगा, कहीं और से नहीं बेटा। ये मेरी योजना का हिस्सा नहीं, ये तेरी योजना का हिस्सा है। ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं, ये तेरी प्लानिंग का हिस्सा है। आज बहुत सारी प्लानिंग हम लोग करके बैठते हैं, लेकिन आज सीख लें कि हमें परमेश्वर की आवाज को रिकॉग्नाइज करना है, आवाज को पहचानना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, किस प्रकार हमें उसकी आवाज को पहचानना है। और परमेश्वर ने इस बात को बोला, उसके बाद परमेश्वर ने आगे बोला, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। परमेश्वर ने इन तमाम बातों को इसहाक पे प्रकट किया कि मैंने अब्राहम को कुछ सौंपा था। क्या सौंपा था? मैंने सौंपा था मेरी आज्ञा मान अब्राहम, और उसने मेरी आज्ञा मानी। मैंने अपनी विधियां सौंपी थी कि अब्राहम मेरी विधियों को मान। मैंने अपनी व्यवस्था सौंपी थी और अब्राहम को कहा मेरी व्यवस्था को मान, और अब्राहम ने मानी। हालेलुया। अब्राहम जो समृद्ध हुआ, जो आशीषित हुआ, वो कैसे हुआ? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की वजह से, परमेश्वर के वचन को पालन करने की वजह से। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को समृद्ध किया, उसको आशीषित किया। अब्राहम को तो बोला अपने देश, अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और इसको कहा तू इसी देश में रह जो मैं तुझे बता रहा हूं। एक को, पिता को बोला तू चला जा दूसरे देश में, बेटे को बोला तू वहीं बना रहे, कहीं मत जा, यहीं से तेरी आशीष है, यहीं से तेरी ब्लेसिंग है, यहीं से तेरे लिए सारे काम करने वाला हूं। लेकिन तू दाएं बाएं भटकने में लगा हुआ है, दाएं बाएं भटकने में लगा हुआ है। उसके बाद इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर की बात को माना और वो गरार में ही रह गया। अब जब इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने इन तमाम बातों को प्रकट किया, तो इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना। जैसे एक विश्वासी जब परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो चलना आरंभ करता है, उसके विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उसके अगेंस्ट परिस्थितियां होती हैं, वो चिंता में होता है। और इसहाक एक ऐसे देश में चला गया था जो आज के समय वो साउथ सेंट्रल इसराइल है। गरार एक ऐसी जगह पे था जो पहले के समय वो पूर्व मध्य और एक इसराइल था, वहां पर गरार देश हुआ करता था। और जो इसहाक है ये वहां पर चला गया, जब ये चला गया तो इसके अंदर एक डर था, उस राजा का, वहां के लोगों का डर था, अपनी पत्नी का डर था, क्योंकि जो रिबिका थी वो परम सुंदरी थी। वचन में लिखा है रिबिका एक परम सुंदरी थी। जैसे एक विश्वासी जब चलना आरंभ करता है, उसको बहुत सारी बातें उसकी चिंता का हिस्सा बन जाती है। मैं कैसे परमेश्वर की, अगर सेवा के लिए प्रभु चुनता है, मैं कैसे परमेश्वर की सेवा करूंगा, कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे मेरी आवश्यकताएं पूरी होंगी। जब परमेश्वर कहता है इस अपने प्रोफेशन को छोड़, इस प्रोफेशन में शामिल हो जा, हम डरते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, कैसे हम ऐसा कर सकते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और बहुत सारी चिंताएं आके घेर लेती हैं। वैसे ही इसहाक के जीवन में भी चिंताओं ने आके घेर लिया था और इसहाक डर रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी जो है रिबिका एक परम सुंदरी है, ऐसा ना हो इसकी वजह से मुझे ये पैलेस्टीनियन किंग जो है या यहाँ के लोग हैं मुझे मार दे, ऐसा ना हो मुझे मार दे।
एक डर था, लेकिन परमेश्वर जब सेवा के लिए चुनता है या आपको किसी डिसीजन को लेने के लिए कहता है तो आपके डर को भी समाप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी प्रकार इसके डर को भी समाप्त किया। परमेश्वर ने पूरी तौर से उत्पत्ति उसके 26 को 11 को पढ़े, क्या लिखा है? इसलिए अभिमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उसकी उसकी स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने जो है यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, परमेश्वर ने सुरक्षा उसको प्रोवाइड करी। जब परमेश्वर आपको सेवा के लिए चुनता है या किसी डिसीजन को लेने के लिए कहता है तो परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए खड़ा करता है। भजन संहिता 91 में लिखा है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तेरी रक्षा करे। परमेश्वर ने एंजल्स को भेजता है हमारे लिए कि हमें वो प्रोटेक्शन दे। और परमेश्वर ने इसहाक के जो मन में डर था अपनी पत्नी को लेकर, अपने आप को लेकर, उस डर को परमेश्वर ने उसके समाप्त किया। और जो अभिमेलेक था वहां का राजा था, उसने पूरी प्रजा को क्या बोला? बोला कि अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। जब परमेश्वर चुनता है किसी विश्वासी को तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई दुष्ट आत्मा तेरा बिगाड़ नहीं पाएगी, कोई शैतान तेरा बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी ताकत, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। क्योंकि तू परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है। वैसे ही इसहाक परमेश्वर की आज्ञा मान के उसी देश में रुक गया, वो ठहर गया। और उसके बाद परमेश्वर उसको सुरक्षा प्रदान करी, उसको सुरक्षा प्रदान करी। वैसे हर एक विश्वासी जब परमेश्वर को विश्वास करता है, उसकी आज्ञा को मानता है, तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा प्रदान करता है, अपनी सुरक्षा देता है उस विश्वासी को कि कोई भी तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने यह अद्भुत कार्य उसके जीवन में किया। उसके बाद परमेश्वर ने अगला एक अद्भुत कार्य किया इसहाक के जीवन में। उसके लिए हम पढ़ते हैं उसके 26 के 12 में क्या लिखा है, पढ़े एक बार। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं जिस देश में अकाल पड़ा है, अकाल पड़ा है, और इसहाक जिस देश से निकल के भागने की तैयारी कर रहा था, अब मैं भाग कर जाऊंगा, मैं मिस्र में जाऊंगा जहां पर मेरे लोगों को और मुझे भोजन सामग्री मिल जाएगी और हम लोग बैठ कर खाएंगे, उसका प्लान था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको सुरक्षा भी प्रदान करी। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब आज्ञा मानोगे परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करेगा, कुछ लोगों को खड़ा करेगा आपके लिए, जो आपके लिए एज ए हेल्पर बन के आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर अपने दूतों को खड़ा करेगा, जो दूत आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखा दी। जिस देश में अकाल पड़ा था पूरा देश रो रहा है, भिलक रहा है, कोई जमीन में फसल नहीं हो रही, भूमि बंजर हो गई, कोई फसल नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है, पूरा देश रो रहा है, लेकिन इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया और कितने गुना फल पाया? 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना। 100 times। हालेलुया। यह परमेश्वर का वायदा है, जो कोई मेरे पीछे चलने के लिए अपने माता पिता को, अपने बच्चे को, अपने घर को, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ के मेरे पीछे चलेगा वो 100 गुना फल पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसहाक को 100 times मल्टीप्लाई करके दिया। कब? जब दुनिया रो रही है, दुनिया मर रही है, हाय हाय हो रही है, सब जगह अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने अकाल में इसहाक को तृप्त किया। हालेलुया। 100 गुना फलवंत कर दिया। उसने जोता बोया और 100 गुना फलवंत हो गया, यानी जो उसने फसल को बोई कोई भी फसल खराब नहीं हुई, एक दाना भी खराब नहीं हुआ, एक बीज भी खराब नहीं हुआ जो उसने जमीन में बोया था। और परमेश्वर ने उसको 100 गुना मल्टीप्लाई कर दिया जो उसने बोया था। और पूरा देश उस अकाल में परेशान है, वो राजा भी परेशान है, उसकी प्रजा के लोग भी परेशान है, लेकिन पूरे देश में इकलौता व्यक्ति है, पूरे देश में इकलौता व्यक्ति है जो आशीषित है, जो ब्लेस्ड है, जिसको परमेश्वर आशीष दे रहा है,
वैसे ही हो सकता है जिस जगह पे आप रह रहे हैं आपके अगेंस्ट चीजें हो, सिविल वॉर हो जाए, अचानक से दुनिया में युद्ध छिड़ जाए या परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। वो 100 गुना फलवंत करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। ऐसे टाइम पे आशीष देगा जिस टाइम पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी एक टेस्टिमनी बताता हूं जो परमेश्वर ने ऐसे ही अकाल के दिनों में मेरे जीवन में अद्भुत काम किया था। जब मैं जॉब किया करता था तो कोविड का समय आया था। कोविड के टाइम पे हर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में सैलरी कटिंग करनी शुरू कर दी थी, सैलरी के अंदर सैलरी कटिंग करनी शुरू कर दी और सबको सैलरियां काट काट के दी जा रही थी, सबकी सैलरियां काट काट के दी जा रही थी और कईयों को सैलरी टाइम से भी नहीं मिल रही थी और कई कंपनी जो है आधी सैलरी दे रही थी और कई कंपनी जो है वो कह रही बिजनेस आएगा तो हम सैलरी देंगे। इस प्रकार जो है सारी कंपनियों ने ऐसा कर दिया था और जो है लोग परेशान थे और ये कार्य मेरी कंपनी में भी शुरू हुआ था। सैलरियां कटनी शुरू हो गई थी, सबकी सैलरियां कट रही थी, सब परेशान। लेकिन उसी बीच में कोविड के टाइम जब सब परेशान थे, सब तकलीफ में थे, सब रो रहे थे, उसी कोविड में परमेश्वर ने मेरी प्रमोशन करवाई। परमेश्वर ने मेरी कोविड में प्रमोशन करवाई और कोविड में मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट्स लगवाए और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे उस कोविड के समय जब सब रो रहे थे, भिलक रहे थे, मैं आनंद से खा रहा था और प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। यह परमेश्वर की आशीष होती है। दुनिया के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है वो आपके अगेंस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रेशियस हो, तुम खुदा की दृष्टि में प्रेशियस हो, बहुमूल्यवान हो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तुम उसकी आज्ञा मानते हो, इसे तुम आशीष के वारिस हो, तुम आशीष के सोते हो और परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना अद्भुत अनुग्रह किया कि परमेश्वर ऐसे ही अपने बच्चों को संभालता है अकाल के समय, जब सब रो रहे होंगे, भिलक रहे होंगे, परमेश्वर तब तुम्हारे लिए काम करेगा, अद्भुत रीति से काम करेगा। इस जगत में बहुत भयानक विपत्तियां आने वाली हैं, बहुत भयानक। ये पूरा जगत जो है परमेश्वर की विपत्तियों से उस दंड को झेलेगा, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को संभालेगा, उनकी कोई भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर उनको सहायता प्रदान करेगा जैसे परमेश्वर ने इसहाक को सहायता प्रदान करी। और इसहाक के जीवन की यह घटना हर एक मसीह के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि दुनिया में परेशानी होगी लेकिन तेरे पास परेशानी नहीं होगी। दुनिया रो रही होगी लेकिन तू हंस रहा होगा। दुनिया में समस्या होगी लेकिन तेरे घर में आनंद होगा। यह परमेश्वर की आशीष होती है जो परमेश्वर देता है और अद्भुत रीति से देता है। परमेश्वर ने ना केवल उसकी फसल को 100 गुना फलवंत किया वरन एक और अद्भुत काम किया। उसके लिए पढ़ेंगे 13 को क्या लिखा है। और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। वचन में अद्भुत बात परमेश्वर ने बताई, लिखा है वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। इसहाक बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और लिखा है यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर ने महान किया लेकिन उसके बेटे को अति महान किया। अब्राहम के विषय में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम को महान किया लेकिन आइज़क को, इसहाक को अति महान किया। हालेलुया। इतना बढ़ाया उसको, इतना बढ़ाया कि वो महान हो गया, अति महान हो गया। ये परमेश्वर की एक ब्लेसिंग होती है कि परमेश्वर आपको बढ़ाए। परमेश्वर ने इसहाक को बढ़ाया, स्पिरिचुअली ग्रो किया, मेंटली ग्रो किया, उसको फिजिकली ग्रो किया और परमेश्वर ने उसको फाइनेंशियली भी ग्रो किया अद्भुत रीति से। वो इतना बढ़ाया कि अति महान हो गया। जब परमेश्वर की आज्ञाएं मानोगे तभी परमेश्वर अति महान बनाएगा, तभी आपको बढ़ाएगा, वरना नहीं। उसके बाद आगे 14 में क्या लिखा है। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलस्ती उससे डाह करने लगे। जब ये बढ़ा, यही पलस्ती जो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए जिन्होंने कहा, जिस राजा ने कहा, जिन लोगों को कहा, अभी तक तो ये इसके फेवर में थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिनको नींद आ रही है वो जाके मुंह को धो ले और जागरूक होके बैठ जाए वचन को सुनने के लिए। जो पलस्ती इसहाक के फेवर में खड़े थे और बोला गया था यदि कोई इसहाक को छुएगा, उसकी पत्नी को छुएगा, वो मार दिया जाएगा, जो फेवर में थे, जो सपोर्ट दिखा रहे थे, अचानक से क्या हुआ, ये पलस्ती उससे
डहा करने लगे। क्यों? क्योंकि ये बढ़ गया था, समृद्ध हो गया था। जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देता है, आप बढ़ना शुरू हो जाते हो, लोग आपसे डहा करते हैं, नफरत करते हैं। आपको परमेश्वर जब बढ़ाता है, समृद्ध करता है आत्मिक रीति से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, तब लोग मसीहों से डहा करना शुरू कर देते हैं, हर विश्वासी से डहा करना शुरू कर देते हैं। आज समाज में क्या कहा जाता है कि क्रिश्चियंस को पैसा मिलता है। जब मसीह लोग समृद्ध होते हैं, आशीषित होते हैं भौतिक रूप से भी, तो लोग कहते हैं इनको पैसा दिया जाता है, इनको पैसा मिलता है, इसीलिए ये लोग जो हैं पैसे वाले हो जाते हैं। और हम यहां पढ़ रहे हैं, इसहाक उसी देश में था, सारा देश रो रहा है, कंगाली की हालत में है, भुखमरी की हालत में है, लेकिन परमेश्वर उसी देश में इसहाक को आशीषित किया। वैसे ही परमेश्वर जिस मसीह को चुनता है, जो उसकी आज्ञा मान के चलता है, उसके आसपास के लोग, उसके पड़ोसी भी, उसके स्टेट के लोग भी, उसके जोन के लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन वो मसीह बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही चला जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसे ही इसहाक को बढ़ाया और इतना बढ़ाया, इतने उसके जानवर हो गए, दास दासी हो गए, कि वो मल्टीप्लाई होते चले गए। पहले के समय में किसी व्यक्ति की धन संपत्ति को अगर हाका जाता था, उसकी कैलकुलेशन होती थी तो उसके जानवरों से, कितने जानवर उसके पास है, कितने दास उसके पास है, इस कैलकुलेशन से यह पता लगता था एक धनी व्यक्ति है, ये एक समृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि वो जानवर उसके पैसे होते थे, वो जानवर उसकी पूंजी होती थी, और जितने जानवर और दास होते थे उससे एक आकलन निकाला जाता था एक धनी व्यक्ति है। वैसे ही जब इसहाक बढ़ गया, समृद्ध हो गया, जो उसके फेवर में थे उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, उसके अगेंस्ट। वैसे ही जब परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करता है, किसी मसीह को आशीषित करता है, जो लोग आपके फेवर में खड़े होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, अचानक से आप उनको अपने अगेंस्ट होते हुए देखोगे, अचानक से वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और लोग आपके विरुद्ध खड़े होके वो बहुत सारे काम करेंगे, और उन्होंने विरुद्ध खड़े होके एक बहुत ही गलत काम किया। 15 में पढ़े क्या लिखा है, इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक राजा, एक पैलेस्टीनियन किंग, एक पैलेस्टाइन का एक राजा, एक किंग, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे सामर्थी हो गया, तू अधिक सामर्थी हो गया है, अधिक सामर्थी हो गया। इन्होंने जलन से क्या किया, जो अब्राहम के द्वारा कुएं खोदे गए थे वो सारे भर दिए। जब आप बढ़ते हो, आप समृद्ध होते हो, आप ग्रो होते हो, तो लोग आपके बुरा करने की चाह रखते हैं, आपके बिजनेस को खत्म करने की चाह रखेंगे, आपकी सेवकाई को खराब करने की चाह रखेंगे, आपके नौकरी को खराब करने की चाह रखेंगे, और लोग जो है षड्यंत्र रचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। और वैसा ही किया इसहाक के साथ, जो उसके पिता के कुएं थे, जो अब्राहम ने खुदवाए थे, वो सारे कुएं इन्होंने मिट्टी से भरवा दिए। हर एक मसीह जीवन के लिए भविष्यवाणी है इसहाक का जीवन। जब परमेश्वर की आज्ञा मान के चलते हो, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा भी देता है, आपको समृद्ध भी करता है, आपको आशीषित भी करता है, आपको बढ़ाता भी है, आपको महान भी करता है, और लोग आपसे जलते भी हैं, लोग आपसे जलते भी हैं। इसके बच्चे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, मसीह लोग इतना समृद्ध कैसे होते जा रहे हैं, ये बुद्धिमान कैसे बनते जा रहे हैं। लोग जेलसी करते हैं, जलन रखते हैं, और वही जलन थी। और इन्होंने जलन के कारण क्या किया, जो उसके पिता अब्राहम के कुएं थे वो सारे कुएं भर दिए, ताकि उसके जानवरों को पानी ना मिले, इसहाक को पानी ना मिले, प्यास के मारे इसके जानवर भी मर जाए, और इसहाक के दास भी मर जाए, और इसहाक भी मर जाए। इतनी जलन, इतनी जेलसी थी उनके अंदर। सोचिए, जो अभी फेवर में खड़ा था वो अचानक से अगेंस्ट हो गया, अचानक से अगेंस्ट हो गया आपके। उसके बाद आगे क्या है, जब अगेंस्ट हो गया तो उसके बाद क्या अद्भुत बात बोली 16 में, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है, सामर्थी हो गया है। सोचिए, अकेला व्यक्ति, एक राजा है और ये केवल प्रजा के अंदर इकलौता व्यक्ति है इसहाक, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, वो गवर्नमेंट से बड़ा हो गया, वो गवर्नमेंट से शक्तिशाली हो गया,
वो सामर्थ्य हो गया। जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं तो परमेश्वर सरकारों से ज्यादा आपको सामर्थ्य बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य रूप से आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और परमेश्वर ने इसहाक को सरकारों से भी बड़ा कर दिया था, ऊंचा कर दिया था, और वो खुद हाथ जोड़ के कहने लगे, तू हमारे पास से चला जा, चला जा, क्योंकि तू हमसे अधिक सामर्थी हो गया है। वो देखते रहे और हैरान हो गए, ये हमारे ही देश में आया था, हमारे देश में आया था, अकाल के समय आया था, इसके पास कुछ भी नहीं था खास, हमारे देखते देखते इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतने जानवर हो गए इसके पास, इतने दास हो गए, इतनी धन संपत्ति इसके पास हो गई, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बढ़ा दिया। और जब इस बात को देखा उन्होंने, वो घबरा गए, पहले तो जलन से भर गए, ढा से भर गए, उसका नुकसान करना चाहा, और उसके बाद लास्ट में हाथ ही जोड़ लिए, तू चला जा हमारे पास से। देखो जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता, जो आपसे नफरत करते हैं, ढा करते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, वही हाथ जोड़ेंगे आपके पास। हमसे गलती हो गई भाई साहब, हमें माफ कर दो, बहन जी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और ऐसी अद्भुत और अनेकों गवाहियां मेरे पास है, जब मसीहों को सताया गया, परेशान किया गया, उनके बढ़ने की वजह से, उनके ग्रो होने की वजह से, जब लोगों ने परेशान किया, उनको सताया, तो उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया, सताने वालों ने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने बोला कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, उन्होंने गलती मानी, माफी मांगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। वैसे ही परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में काम किया। वैसे ही जब एक मसीह जब परमेश्वर के पास आता है, प्रभु उसको समृद्ध करता है, उसको बढ़ाता है, उसको आशीषित करता है, तो लोग डाह करते हैं, नफरत करते हैं, वो चलते हैं कि इसके पास तो घर नहीं था, अचानक से घर कैसे आ गया, इसके पास संतान नहीं थी, संतानें आ गई, इतने सालों से बांझ थी, संतान कैसे मिल गई, इसके पति की अच्छी नौकरी कैसे लग गई, इसके बच्चों की अच्छी नौकरी कैसे लग गई, ये इतना समृद्ध कैसे होता जा रहा है, ये बढ़ता कैसे जा रहा है। लोग डहा करते हैं, जलन रखते हैं, नफरत से भर जाते हैं। और वैसे ही इन लोगों ने किया, जो फेवर में थे अचानक से अगेंस्ट में हो गए। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, परिवार के लोग जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जब जैसे ही मसीह को स्वीकार करते हो, मसीह के साथ चलना शुरू करते हो, आप उनके निकम्मे कामों में शामिल नहीं होते हो, वो आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। यीशु ने कहा तुम्हारे विरोधी तुम्हारे घर के लोग होंगे, घर के ही लोग होंगे, घर का व्यक्ति ही विरोध में खड़ा हो जाएगा, घर का व्यक्ति ही तुम्हारे घर के लोग होंगे। और वैसे ही जो फेवर में थे अचानक से अगेंस्ट हो गए, वैसे जब मसीह में आप चलते हो, अचानक से लोग जो आपके फेवर में आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वैसे ही इसके भी अगेंस्ट खड़े हो गए थे इसहाक के, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जो अगेंस्ट खड़े थे लास्ट में उन्होंने ही हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, तू हमारे पास से चला जा, चला जा, तू हमसे अधिक सामर्थ्य हो गया है, अधिक सामर्थ्य हो गया है। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा तो लोग अपने मुंह से बोलेंगे, ये तो हमसे ज्यादा आशीषित हो गया है। हालेलुया। और आज क्रिश्चियन जो हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं, सबसे ज्यादा आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देता है जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं। और इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञाएं मानी और परमेश्वर उसको समृद्ध किया और उसको आशीषित किया अद्भुत रीति से। और उसके बाद जब इसहाक वहां से चला गया तो जाने के बाद जो वहां पर गया गरार में, एक घाटी में जाके वो रहने लगा, एक वैली में जाके रहने लगा। जब रहने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इस देश को मत छोड़ियो, वो गया नहीं, वो चाहता तो गरार को छोड़ के चला जाता, लेकिन परमेश्वर ने कहा यहीं रहियो, यहीं से बढ़ाऊंगा, यहीं से ऊंचा करूंगा, यहीं से आशीषित करूंगा, मत भागियो बेटा, मैदाने जंग में रहे, यहीं पे तू युद्ध जीतेगा, यहीं से तू जयवंत होगा, भागना नहीं है, पीछे हटना नहीं। शैतान दुनिया भर की मुसीबत डालेगा, परेशानी डालेगा, तकलीफ डालेगा, इसहाक पे भी डाली। इसका बिजनेस सेट हुआ, सब कुछ सेट हुआ, सब कुछ स्टेबल हुआ, स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए, इसको गिराने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन ये डटा रहा। इसने कहा ठीक है, जगह बदल दी लेकिन देश नहीं बदला, जगह बदल दी लेकिन देश नहीं बदला। और ये जाके उस घाटी में रहने लगा। जब ये रहने लगा तो गरार के चरवाहों ने इसके चरवाहों से झगड़ा किया, जब उन्होंने कुएं खोदे तो, और दो बार झगड़ा किया, झगड़ा करके कुएं ले लिए, लेकिन तीसरी बार जब उसने कुआं खोदा तो उसके बाद इन्होंने झगड़ा नहीं किया,
और परमेश्वर ने फिर जाके अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम किया, क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है तो अद्भुत बातें भी करता है। उसके बाद परमेश्वर ने एक अद्भुत बात बोली उसके लिए, खोले उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय उसके 26 के 23 24 और 25 को पढ़े, क्या लिखा है। वहां से वह बेर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बार बार दर्शन देता है, बार बार बात करता है कि मेरा बेटा मेरे पीछे चलने वाला कमजोर ना पड़े। जब इसहाक के साथ ऐसी घटना घटी जिस जगह पर रहकर उसका बिजनेस स्टैब्लिश हुआ, वो स्टैब्लिश हुआ, वो बढ़ गया, अचानक से उस जगह को छोड़ना पड़ा, उसको दुख हुआ। उस जगह से जब वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ, लेकिन उसी देश में रहा, वो गरार में ही रहा, और जाके जब शिफ्ट हुआ वहां पे जाके रहा, तो उसके बाद उसके मन में चिंता हुई, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात करी। जब वो गया तो परमेश्वर ने उससे कहा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर। प्रभु ने कहा मत डर। वो डर गया था कि सब कुछ मैंने एस्टैब्लिश किया, सेट किया, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है, इस जगह को छोड़ना पड़ रहा है, इस जगह से अलग जाना पड़ रहा है। चिंता होती है जब किसी जगह पे हम लंबे टाइम से होते हैं, उस जगह को जब छोड़ना पड़ता है तकलीफ होती है, परेशानी होती है। वैसे ही इसके साथ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन देके क्या बोला, मत डर, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसलिए मत डर। परमेश्वर ने बताया उसको, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और आगे बोला, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि अपने दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। जब परमेश्वर ने आशीष और श्राप की बातें कही थी मूसा के द्वारा, और जीवन और मृत्यु दोनों को सामने रखा था, तो परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था में, यदि तू मेरी आज्ञा मानेगा तो तेरी संतान धन्य होगी, तू मेरी आज्ञा मानेगा तो तेरी संतान धन्य होगी। अब्राहम ने बात मानी, उसकी बात मानने की वजह से परमेश्वर ने इसहाक को आशीषित किया, और परमेश्वर ने उसके पिता अब्राहम का नाम लेके ही बोला, तेरे पिता अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे पिता अब्राहम के कारण। जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हो, आप धार्मिकता का जीवन जीते हो, आप परमेश्वर की सेवा करते हो, उसके साथ चलते हो, परमेश्वर कहता है तेरी वजह से तेरी बेटी को आशीष दूंगा, तेरी वजह से तेरे बेटे को आशीष दूंगा, तेरी वजह से तेरी पत्नी को आशीष दूंगा, तेरी वजह से तेरे पति को आशीष दूंगा, तेरे माता पिता को आशीष दूंगा, तेरी वजह से। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे पिता अब्राहम की वजह से मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तू घबरा मत, तेरा वंश समाप्त नहीं होगा, तेरा वंश मैं ही बढ़ाऊंगा, तेरी जनरेशन को मैं ही बढ़ाऊंगा। और हम सब इसहाक की जनरेशन के लोग हैं, हम अब्राहम की जनरेशन के लोग हैं। अब्राहम जो है हम सब का विश्वास का पूर्व पिता है, सारा जो है हम सब की विश्वास की पूर्व माता है, हम सब अब्राहम और सारा की संतान है जिनको परमेश्वर ने चुना है, हम सब आशीष के वारिस हैं। और हम सब बढ़ते ही जा रहे हैं, आज जितने मसीह लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी फैलती चली जा रही है, वो अब्राहम और सारा का वंश बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, अब्राहम सारा का वंश बढ़ता जा रहा है। आदम और हवा की गलती की वजह से वंश समाप्त हो गया, लेकिन अब्राहम और सारा की वजह से वंश बढ़ता चला गया, क्योंकि इन दोनों ने आज्ञा मानी, उन दोनों ने आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन आदम ने, अब्राहम ने और सारा ने आज्ञा को मानी, और इनके द्वारा इनकी सारी जनरेशन, हम सब ब्लेस्ड हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता ही देता है जब मनुष्य परेशान होता है। जब जब आप चलोगे परमेश्वर के साथ, आपके जीवन में बहुत सारे ट्रबल आएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे ट्रबल। वचन में क्या लिखा है, जो कोई मेरी आज्ञा मानता है और उस पर चलता है, मेरे वचन को मानता है और उस पर चलता है, उसने अपना घर चट्टान पर बना रखा है। आंधी आएगी, मत बोलना नहीं आएगी, आएगी बेटा आंधी, तूफान आएगा, आंधी भी आएगी और तूफान भी आएगा। आंधी आएगी भयानक, तूफान उससे भयानक आएगा, और फिर बरसात उससे भयानक आएगी, और तेरे घर से टकराएगी, तेरे आत्मिक घर से टकराएगी, लेकिन तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तू मेरे वचन को
सुनता और मानता है, इसीलिए तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शैतान डालेगा बीमारी, डालेगा परेशानी, डालेगा तकलीफ और गिराने की कोशिश करेगा, नाश करने की कोशिश करेगा, पाप में गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको थाम कर रखेगा। हालेलुया, आपको थाम कर रखेगा और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसे कोई साग का बिगाड़ नहीं पाया, वैसे कोई आपका भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हर एक मसीह का जो साथी है, जो प्रोवाइडर है, जो सुरक्षा देने वाला है, वो हमारा प्रभु है। हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में यीशु काम करता है, और जब यीशु आपके साथ है तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। वचन में लिखा है तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं, तुम्हारे सर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं। कोई परमेश्वर की मर्जी के बिना तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, तुम साधारण लोग नहीं हो, तुम कीमती हो, बेशकीमती लोग हो। तुम्हारे सर के बाल भी यीशु ने गिन रखे हैं, कोई भी नहीं कर सकता, नाई भी तुम्हारे सर के बाल नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बिना। ध्यान रखना, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम्हें लगता है हमारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी परमेश्वर की देह है, उसका मंदिर है, वो तुमसे प्रेम करता है। कलीसिया जो है मसीह की देह है, कलीसिया जो है मसीह की देह है, और मसीह चाहता है कि मेरी जो देह हो वो मजबूत हो, वचन से मजबूत हो, सामर्थ्य हो, शक्तिशाली हो। और जब कलीसिया मिलके प्रार्थना करती है, सेवा करती है, तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया, और अद्भुत रीति से काम होता है। और परमेश्वर ने इसहाक को बलवंत किया और इसहाक बलवंत हो गया। हर एक मसीह जीवन की भविष्यवाणी है इसहाक। जब एक व्यक्ति चलता है मसीह में, तो ये सारी घटनाएं उसके जीवन में घटती है, ये सारी घटनाएं उसके जीवन में घटती है, और परमेश्वर अद्भुत काम करता है। उसके बाद परमेश्वर ने एक और अद्भुत काम किया इसहाक के जीवन में, उसके लिए पढ़ेंगे हम उसके 26 से। तब अभिमेलेक ने अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोन को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच में से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय में एक वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। हालेलुया, यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। एक बहुत ही अद्भुत काम था। जो राजा था अबीमेलेक, वो अपने सेनापति पिकोल के संग जो है गरार में उसके पास गया मिलने के लिए, जिसको भगा दिया था, जिसको बोल दिया तू चला जा हमारे पास से, अब मिलने के लिए आया। और इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? क्यों आए हो? लोग जब आपको निकाल देंगे, आपको दूर कर देंगे अपने से, बाद में तुम्हारे पास ही आएंगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें इस योग्य बना देगा कि लोग तुम्हारे पास आएंगे। वचन में लिखा है जब परमेश्वर किसी के जीवन को पसंद करता है, उसका जीवन परमेश्वर को भाता है, तो वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। आपके खिलाफ जो लोग हैं, आपके शत्रु हैं, वो भी आ जाएंगे आपसे मेल करने के लिए। और वही घटना हम देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हालेलुया, कह रहे हमने सामने से देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हम कैसे इनकार कर दें कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं रहता? हमने देखा है, तेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें देखी हैं, तेरे जीवन में परमेश्वर का काम देखा है, और हमने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है और यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन्य है, तू यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए, हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधवाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वन तेरे साथ केवल भलाई ही की और तुझको कुशल सेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हम में से कोई बुराई ना करेगा। हालेलुया, ये कह रहे हैं कि हमने तेरे साथ भलाई करी, हमने तेरे साथ कोई बुराई नहीं करी,
तुमने मेरे पिता अब्राहम के कुओं को बंद कर दिया, तुमने कोई बुराई नहीं करी। तुम्हारे गरार के चरवाहों ने मेरे चरवाहों से लड़ाई करी और तुमने कोई बुराई नहीं करी। ये देखो, बुराई करने के बावजूद भी आके कह रहा है हमने कोई बुराई नहीं करी, कोई बुराई नहीं करी। क्यों? अब इसहाक का समर्थन चाहिए, इसहाक का समर्थन चाहिए। आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो क्रिश्चियंस के पास जाते हैं, क्रिश्चियन लीडर्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े पास्टरों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारा समर्थन चाहिए। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा समर्थन चाहिए, हमें आप समर्थन दो, हम मसीह समाज के लिए काम करेंगे। चर्चिस को तोड़ा गया, चर्चिस पर अटैक किया गया, मसीहों को मारा गया, पादरी को मारा गया, तब तो कोई नहीं आया, तब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मणिपुर में कितना बुरा हाल हुआ, कोई बोलने नहीं आया। बहुत बुरी तरीके से क्रिश्चियंस को मारा गया, प्रोसिक्यूट किया गया, तब तो कोई नहीं आया। लेकिन आज जब परमेश्वर अपने दासों को ऊंचा कर रहा है, उनकी सेवकाई को बढ़ा रहा है पूरे विश्व में, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं और कह रहे हैं हमें समर्थन दो, हमें समर्थन दो, हम आपकी सहायता करेंगे, हम मसीह समाज के लिए काम करेंगे। जो माइनॉरिटी में लोग हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे। वही काम ये करने आया, हमने तो तेरे साथ कोई बुराई नहीं करी, हमने कोई बुराई नहीं करी। इन्होंने क्या किया था, अब्राहम के जितने कुएं थे जो इसहाक को मिले थे वो सारे तो मिट्टी से बंद कर दिए ताकि इसके दास जो हैं प्यासे मर जाए, इसके जानवर जो है प्यासे मर जाए, और कह रहा है हमने कोई बुराई नहीं करी। आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं हमने तो आपके खिलाफ कोई काम नहीं किया, इस पार्टी ने किया, उस पार्टी ने किया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो आप लोगों के साथ खड़े हैं, हम तो हर वर्ग के लोगों के साथ खड़े हैं। कोई खड़ा नहीं था जब मसीह को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, कोई खड़ा नहीं हुआ। ये कह रहे हैं हमने कोई बुराई नहीं करी। आज वैसे ही लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रभु के दासों के पास, और आग के सभाओं में प्रार्थना करवा रहे हैं ताकि मसीह लोगों का उनको समर्थन मिले, सपोर्ट मिले। और वही काम ये कर रहा था, आके हमने कोई बुराई नहीं करी, हमने तेरे साथ भलाई ही करी, हमने भलाई करी। और उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से धन्य है, तू परमेश्वर की ओर से धन्य है। हमने देख लिया कि परमेश्वर ने तुझे ब्लेस कर दिया है, तू ब्लेस है, तुझे परमेश्वर आशीष दे रहा है, तू आशीषित होता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। जब लोग देखते हैं कि आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, तो लोग भी जो आपके अगेंस्ट है वो आपके पास आने शुरू होते हैं, आपके फेवर में आने शुरू होते हैं। जब तक आप ग्रो नहीं हो रहे होते, आप बढ़ नहीं रहे होते, कोई आपके पास नहीं आता, कोई पूछता नहीं है। और आज बड़ी बड़ी मंडली में, बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े प्रभु के जो महान दास है उनके पास मेरे कितने ऐसे मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स आते हुए देखे हैं जो आ रहे हैं और प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, आ रहे हैं। और जब तक मिनिस्ट्री छोटी थी कोई नहीं आया, जब मसीहों की संख्या कम थी कोई नहीं आया, लेकिन आज बढ़ गई है बहुत तेजी से, तो सब आ रहे हैं समर्थन लेने के लिए। वैसे ये भी आया, इसने देखा मैं राजा होके पूरी पावर में होके, मेरे पास इतनी सामर्थ नहीं है, इतनी पावर नहीं है जितना इकलौता व्यक्ति ये जो इसहाक है, जो आइज़क है, इसके पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है, बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर इसके फेवर में रहता है, इसके फेवर में खड़ा रहता है परमेश्वर, इसको ब्लेस कर रहा है, इसको आशीषित कर रहा है। तो ये भी आ गया समर्थन लेने के लिए। और आज ऐसे ही मसीहों के साथ होता है, जब आप समृद्ध होते हो, आशीषित होते हो, जो रिश्तेदार आपकी बुराई करते थे, जो निंदा करते थे, वही आते हैं, कहते हैं अरे आपको तो प्रभु ने बड़ी आशीष दी, हमारे बेटे की नौकरी लगने वाली है, कुछ मदद कर देंगे, हमारी बेटी की शादी होने वाली है, कुछ मदद कर देंगे। जो आपके खिलाफ थे, आपके अगेंस्ट थे, वो सारे लोग आपके फेवर में आते हैं। एक मसीह ने मुझे अपने जीवन की बड़ी अद्भुत एक गवाही बताई, मैं उसको साथ में आपको साझा कर रहा हूँ। उस मसीह ने बताया कि जब मैं प्रभु के साथ मैंने चलना आरंभ किया, तो पहले मैं कुछ गलत काम किया करता था, मैंने उन सारे गलत कामों को छोड़ दिया और मैं सही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। उस बीच में मैं भयानक कर्जे में आ गया, मैं करोड़ों रुपये के कर्जे में आ गया, और इतने कर्जे में होने के बावजूद मैं परेशान था, और लोग जो है मेरे ऑफिस में आते, मेरे फ़ोनों पर लगातार कॉल करते, मुझे धमकियाँ देते, मेरे से बकवास करते, गाली गलौज करते, और सब ने ऐसे शुरू कर दिया। और एक व्यक्ति तो इतना ज़्यादा खराब था कि चर्च में जाके खड़ा हो जाता था कि ये चर्च में संडे ये अब आराधना करके बाहर निकलेगा और मैं इसको सुनाना शुरू कर दूंगा, और वो जैसे ही निकलते बोलना शुरू कर देता मेरे पैसे दो, इतनी ब्याज हो गई, मेरे पैसे दो, ये दो, और उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उनके घर तक चला जाता, घर पर जाके उनकी वाइफ
उनके बच्चों के सामने सीढ़ी पे खड़े होकर, दरवाजे पे खड़े होकर चिल्लाता, मेरे पैसे दो, पैसे मेरे पैसे दो, और बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ डाली, हर प्रकार से उनको बदनाम करने की कोशिश करी उस व्यक्ति ने। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वो सीधे रास्ते पर चलते रहे, प्रार्थना करते रहे, वचन का पालन करते रहे, परमेश्वर बढ़ाता गया, और परमेश्वर इतना बढ़ाया, सबका कर्जा चुका दिया उन्होंने। उसके बाद जो उनके घर पे जाता था और जो लोग उनके ऑफिस में आते थे, उन सब ने उनसे ही कर्जा लिया, और इन्होंने खुशी से उन सबको कर्जा दिया, और कर्जा देने के बावजूद भी लंबे टाइम तक उन्होंने पैसे नहीं दिए, और आज तक उनके पैसे वापस नहीं करे, उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कहते। ये परमेश्वर की आशीष होती है कि जो लोग आपके खिलाफ थे आज आपके फेवर में हैं। परमेश्वर ने कहा, तुझे उधार लेने वाले नहीं मैं देने वाला बनाऊंगा। उसके वचन, उसकी आज्ञाओं को मानो, उधार लेने वाले नहीं देने वाला बना देगा परमेश्वर। और परमेश्वर ने बना दिया उनको, बना दिया और आशीषित किया, ब्लेस्ड किया। और आज ऐसा व्यक्ति, वो उसको गाड़ी में भी बिठा के अपने साथ लेके जाते हैं, लेके आते हैं, चल कोई बात नहीं बैठ जा। और उनकी वाइफ को जब पता लगता है कि ये व्यक्ति साथ में आ रहा जा रहा है, वो गुस्से से भर जाते हैं, क्रोध से उनकी वाइफ भर जाती है, कहती है ये मेरे घर में नहीं आना चाहिए, क्यों गाड़ी में बिठा के लेके जाते हो। यही वो व्यक्ति है जो चर्च में आके जिसने हमें बदनाम किया, जो हमारे घर पे आके हमें बदनाम किया, और तुम भलाई करते हो। वो बोलते हैं कि मेरा प्रभु सिखाता है अपने शत्रुओं से भी प्यार कर, और मैं प्यार करता हूँ और मैं उसकी मदद करता हूँ। और जब जब वो मदद के लिए कहता है, ये तब तब फिर भी उसकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसने सताया था, लेकिन इन्होंने मसीह की व्यवस्था पूरी करी, प्यार करके, भलाई करके, मदद करके, और ये करने में लगे रहे, और प्रभु ने बढ़ाया। वैसे ही इसहाक के साथ था, इसहाक को परमेश्वर ने बढ़ाया और आशीषित किया और ब्लस किया। और उसके बाद ये लोग आ गए कि अब तू एक काम कर, इनके मन में भय समा गया। वचन में क्या लिखा है कि लोग डरेंगे कि तू यहोवा का कहलाता है, इस बात से लोग डरेंगे कि तू परमेश्वर का कहलाता है, तेरे खिलाफ बोलने से डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर पनिश कर देगा उनको, तेरे खिलाफ बोलने से डरेंगे, तेरे अगेंस्ट बोलने से डरेंगे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय समा जाएगा, क्योंकि तू यहोवा का कहलाता है, इसीलिए लोग तुझसे डरेंगे। और वैसे ही परमेश्वर ने काम किया और ये लोग डर के मारे, ये राजा, ये एक बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट थी, एक सरकार थी, ये लोग आए एक प्रजा के व्यक्ति के पास और आके उससे कह रहे हैं, तू हमसे शपथ बंधवा ले भाई, तू शपथ बांध हमारे साथ के तू हमारी कोई भी हानि नहीं करेगा, हमने तेरी कोई हानि नहीं करी तो तू भी हमारी हानि नहीं करेगा। क्या इन्होंने इसहाक को परेशान नहीं किया था? किया था, लेकिन इसहाक ने क्या इनको परेशान किया? नहीं किया। इसहाक ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। जो शत्रु आपके अगेंस्ट होते हैं, उन शत्रुओं को प्रभु आपके फेवर में ला देता है, और वो भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी आपका सपोर्ट चाहते हैं। ये परमेश्वर काम करता है, और मसीह लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है प्रभु। जब जब आप प्रभु में बढ़ोगे, उसके साथ चलोगे, दुनिया भर की मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन परमेश्वर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और जब आप बढ़ोगे, लोग आपसे जलेंगे, लोग आपसे डाह करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपके खिलाफ बातें बोलेंगे। यदि आप आत्मिक जीवन में भी बढ़ोगे तो भी लोग नफरत करेंगे। आत्मिक जीवन में बढ़ोगे तो भी नफरत करेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे बहुत ज्ञानी हो गई है ये बहुत ज्ञानी हो गया है, ये बहुत आत्मिक हो गया है, बहुत आत्मिक ज्ञान इसको हो गया है, ये बड़ा प्रभु के नज़दीक में आ गया है। ऐसे कर करके आपको ताने मारेंगे और ताने कसेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है और वो जल रहे हैं, वो जलन के मारे आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन वचन में लिखा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा, और पृथ्वी पर तुम अपना दुगना भाग पाकर जय जयकार करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में ऐसे ही अद्भुत काम किया और इसहाक को ऊंचा किया, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया एक पूरी गवर्नमेंट को हिलाने के लिए। एक व्यक्ति ने पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख दिया, एक व्यक्ति ने। आज मसीह लोगों ने सारी गवर्नमेंट हिला के रखी हुई है। आज दुनिया भर के पॉलिटिशियंस आ रहे हैं और कह रहे हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रेयर करो, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम सपोर्ट करेंगे, जो उन पर प्रोसिक्यूशन आया, सताव आया, हम उनको सहायता प्रदान करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करेगा तो हर एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा, हर एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। वैसे ही परमेश्वर ने काम किया और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया पूरी गवर्नमेंट को हिलाने के लिए। अकेला व्यक्ति पूरी गवर्नमेंट को हिला के बैठ गया और गवर्नमेंट ने आके उसके साथ आके एक वाचा बंधवाई, कह तू हमारा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर भय समा गया, ये सामर्थ्य हो गया, ये जब मर्जी हम पर युद्ध
आक्रमण छेड़ देगा और उसके बाद यह हमें भी अपने कब्जे में ले लेगा और हमारे लोगों को भी अपने कब्जे में ले लेगा। इतना भय समा गया, यानी परमेश्वर ने इसहाक को जो बात कही थी वो बात पूरी करी। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वो पूरा करेगा ही करेगा, वो अपने प्रतिज्ञाओं को अपने वाचाओं को पूरा करने में देर नहीं करेगा, वो पूरी करेगा ही करेगा। यदि आप उसके साथ ऑनेस्ट होके ईमानदार होके चलते रहोगे तो अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। और आज के वचन से, आज के प्रचार से हमने जाना और सीखा कैसे परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करता है जो खुदा के साथ ईमानदारी से चलते हैं। परमेश्वर उनको मल्टीप्लाई करता है, उनको बढ़ाता है, उनकी सेवकाई को बढ़ाता है, उनके बिजनेस को बढ़ाता है, उनके आत्मिक जीवन, उनके परिवार को बढ़ाता है जो प्रभु के साथ ऑनेस्ट रहते हैं। हालेलुया। चाहे लोग आपको सताए, सताने दो, आप मत सताना। लोग बुरा करे, करने दो, आप बुरा मत करना, क्योंकि हमारे प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है, भलाई करना सिखाया है, हम उसी में लगे रहेंगे और परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। और दाऊद का भजन यहाँ पूरा होता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है और तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का तेल आपके सर पे मलेगा और आप आनंद से भर जाओगे, आपका कटोरा यानी हृदय आनंद से भर जाएगा और उमड़ उमड़ के वो आनंद बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा और लोग देखेंगे कि ये कितना आशीषित है, ये कितना आनंदित है, ये कितना ब्लेस्ड है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है अपने कामों के लिए, अभिषेक किया है अपनी सेवा के लिए, अभिषेक किया है आपको ऊंचा करने के लिए। ये परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा होता है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर संदेश के लिए, आज के प्रचार से। प्रभु आपने बताया मेरे परमेश्वर, जैसे इसहाक को प्रभु आपने चुना और इसहाक के जीवन में अद्भुत काम किए, वैसे ही प्रभु एक मसीह विश्वासी जब आप पर विश्वास करके आपके साथ चलता है तो उसके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं आप मेरे परमेश्वर, उसको बढ़ाते हैं, उसको उन्नत करते हैं, और जो लोग प्रभु उसके विरुद्ध होते हैं वो भी उसके फेवर में आ जाते हैं मेरे परमेश्वर। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन पर खड़े हैं, जो आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं, और इस समय बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हैं, उनकी कलीसिया के लोग उनके अगेंस्ट हैं, उनके पासवान उनके अगेंस्ट हैं, विश्वासी उनके अगेंस्ट हैं प्रभु जी, समाज के लोग उनके अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो आपके वचन पर खड़े होकर चल रहे हैं। मेरे पिता, आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें, जैसे आपने इसहाक के मदद करी, इसहाक की सहायता करी, वैसे ही प्रभु जी आप उनकी भी सहायता करें, उनकी भी मदद करें पवित्र आत्मा, उनको भी ऊंचा उठाएं मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस करें मेरे प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा हो। आपने उन्हें चुना है, उनको अलग किया है और आपने उनका अभिषेक किया है, ताकि मेरे प्रभु उनके जीवन से आपकी अद्भुत महिमा हो। मेरे पिता, मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा अपनी अद्भुत उपस्थिति को दर्ज करना और उनको आगे बढ़ाना। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज अपने अपने बच्चों को आशीषित किया और ब्लस किया। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।